हेलो गाइस, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ये सुबह का टाइम है और मैंने कैरेट लिया है जिसका मैंने स्किन निकाला है, धोया हुआ है, और ये पीस अभी मैं स्टीम करने वाली हूँ। आप देख सकते हो मैंने स्टीमर में कैरेट डाला है और स्टीम हो रहा है। स्टीम करना एक बेस्ट वे है वेजिटेबल्स का, जिससे उसका पूरा न्यूट्रिशन उसी में रहता है, उसका न्यूट्रिशन बाहर नहीं आता है। और ये मैं रियो के लिए स्टीम कर रही हूँ और उसको आधा मैं अभी दूंगी, आधा मैं उसको शाम को दूंगी। मैं रियो के लिए लंच बना रही हूँ। ये हमारा हमेशा का चना है जो मैंने उसको देती आई हूँ जब से वो मेरे पास है। अभी जब वो अडल्ट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसे अलग अलग तरीके से खाना देना पड़ता है, तो मैंने इसमें से कुछ लिया है। आप देख सकते हैं कुकर में राइस है और उसके साथ ये चना मैंने अलग से एक बाउल में रखा हुआ है। अभी मैं दोनों को कुक करूंगी, दोनों को स्टीम करूंगी राइस के साथ, और जब ये रेडी होगा तो मैं चना और राइस मिक्स करके मैश करके उसे मैं दूंगी रियो को, ताकि रियो को थोड़ा उसका टेस्ट अच्छा लगे। इसमें आपको कोई सॉल्ट या कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी बर्ड्स को सॉल्ट और शुगर नहीं देना चाहिए, जितना हो सके नेचुरल फूड दीजिए। उसे पका के दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी भी उसे सॉल्ट या शुगर टेस्ट मत कराइए, क्योंकि एक बार उसको उसका टेस्ट लग जाता है तो वो फिर वापस वही मांगता है, बाकी कुछ खाता नहीं है, और ऊपर से वो उनके हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है, बहुत ही हानिकारक है। तो सॉल्ट एंड शुगर उनके खाने से अवॉइड कीजिए, उसे दूर रखिए, स्पेशली आर्टिफिशियल जो चीज़ होती है वो दूर रखिए। तो मैंने बॉईल किया हुआ चना और राइस को मैंने दरदरा पीसा है। आप देखोगे दरदरा है, पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं किया है, तो दरदरा पीसा है रियो को देने के लिए। आई होप वो अभी वो खाए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं मेरा बेबी फॉर्मूला कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। मैंने पूरा तरह से इसको ख़त्म किया है, आप देख सकते हैं। मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ये पैकेट मैंने दिखाने के लिए रखा, देखो पूरा कंप्लीट हो गया है, मैंने पूरी तरह से दिया है। तो अभी मैं उसे घर का खाना देने वाली हूँ। तो ये है राइस, पहली बार मैं रियो को राइस दे रही हूँ। राइस खाने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको गैस भी नहीं होता है, तो ऑन एंड ऑफ आप राइस दे सकते, कोई भी चीज़ रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है, बट हर चीज़ को आप इंट्रोड्यूस करते समय थोड़ा थोड़ा दीजिए, धीरे धीरे दीजिए, और हफ्ते में एक या दो बार दीजिए। चना तो हमेशा खाता है, तो चना और राइस को मैंने पीसा हुआ है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।